फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा। और क्या कर रहे हो सब लोग? मैं तो सुबह सुबह आ गई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और आज मैं एक ऐसा रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन टेस्ट जब वो तो लाजवाब है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एकदम सिंपल सा रेसिपी है, कॉमन रेसिपी है, लेकिन खाने में मस्त बनते हैं। और ये ना, ये मैं जब मेरे गांव में थी तब कोई पूजा में जाती थी, पूजा किसी घर में पूजा हो रहा है तो उस घर में जाने से ही वो मिल जाता था, वो वाला डिश। लेकिन अभी इधर ये बैंगलोर में तो वो भूल जाओ, उसका बात छोड़ दो, वो भूल जाओ, वो गांव में छोड़ के आई हूँ उसका टेस्ट। और वो टेस्ट मेरे को बार बार याद आ जाता है और खाने का मन हो जाता है। तो गेस गेस गेस, व्हाट इज दिस? आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? हाँ, ठीक समझे हो, क्या बनाने वाली हूँ। सामने आ रहा है हमारे बंगाल का सरस्वती पूजा। मतलब क्या है? मतलब बंगाली टीनेजर्स के लिए, टीनेजर्स नहीं, बंगालीज के लिए वो है एकदम वैलेंटाइंस डे। क्योंकि उस दिन हर कोई लड़की साड़ी पहनती है, और साड़ी में तो वो बात छोड़ दो वो, और सारे के सारे लोग वो सरस्वती पूजा के दिन सारे लोग खिचड़ी खाते हैं। तो वो खिचड़ी में, खिचड़ी मेरे को बहुत पसंद है, और वो प्रसाद में जो दिए जाते हैं वो तो मेरे को बहुत ही पसंद है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाली स्टाइल खिचड़ी। और ये खिचड़ी ना मेरा पिछले बार मतलब शादी के दो दिन पहले था, 22 जनवरी था सरस्वती पूजा, एंड 24 जनवरी था हमारा शादी का डेट। तो 22 जनवरी में मेरे हस्बैंड भी मेरे घर आए थे, और थोड़ा सा फूल लेकर आए थे, बुके नहीं, थोड़ा सा फूल और एक चॉकलेट लेकर आए थे। तो वो भी बहुत याद आते, अभी तो हस्बैंड वाइफ है, वो दिन छोड़ दो, वो भूल गई हूँ। तो चलो आज बनाते हैं बंगाली स्टाइल खिचड़ी, देखते हैं कैसे बनते हैं बंगाली स्टाइल खिचड़ी। बंगाली स्टाइल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने इधर पे लिया है मूंग दाल, इसके साथ ही साथ राइस। मैं इधर पे जीरा राइस यूज कर रही हूँ। वेस्ट बंगाल में लोग तो गोविंद भोग चावल यूज करते हैं, लेकिन इधर पे नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने जीरा राइस ले लिया। वो भी एक ही जैसा है, उतना अच्छा नहीं लेकिन अच्छा ही है। उसके साथ साथ थोड़ा सा चीनी, नमक, ऑब्वियसली मस्टर्ड ऑयल से खिचड़ी बनती है। उसके साथ साथ मैंने लिया है भुना हुआ मसाला और हल्दी पाउडर, एक रेड चिली, बे लीव्स, और साथ ही साथ ये ना बहुत सारे मसाला का मिक्स है, जैसे कि ज़ीरा, इधर पे है मेथी, ब्लैक ज़ीरा, और ऐसे ही पांच मसाला एक साथ करके ये ले लिया। बंगाली में तो इसको पांच फोड़न बोलते हैं। तो मैं आज सिंपल खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा वेजिटेबल के अंदर मैंने ले लिया है ये पामकिन, छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे नहीं लेकिन मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। ये दो टमाटर लिया है, ये भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अभी तो विंटर सीजन चल रहा है तो ये मटर तो मिल जाता है, तो मटर ले लिया। और पटेटो, मेरे को खिचड़ी में पटेटो बहुत ही पसंद है तो ले लिया पटेटो। इसके साथ साथ मैंने लिया है किशमिश, रेजिन्स, और इसके साथ साथ मैंने लिया है कैशू नट्स और ग्रीन चिली, और एक ऐसा छोटा टुकड़ा वाला अदरक। तो चलो बनाते हैं बंगाली स्टाइल खिचड़ी। बंगाली स्टाइल खिचड़ी बनाने के लिए फर्स्ट में मैं मूंग दाल को फर्स्ट में फ्राई कर लूँगी। मूंग दाल को फ्राई करने के लिए ऐसे बस पैन चढ़ाना है, पैन को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, उसके बाद मूंग दाल इसको ऐसे दे दीजिए और इसको ऐसे भूनते रहिए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उतने तक भून लीजिए। दाल हमारा ऐसे फ्राई हो रहा है, ऐसे चलाते रहना है क्योंकि नहीं तो जल जाएगा। ऐसे चलाते चलाते हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। दाल हमारा फ्राई हो गया, ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है,
तो इसको मैं अभी प्लेट में निकाल लूँगी। अभी फिर से मैंने पैन चढ़ा दिया है और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, ऐसे फैला लेना है। पैन हमारा गर्म हो गया तो अभी मैं डाल दूंगी रेड चिली। बे लीफ्स को ऐसे तोड़कर मैं डाल रही हूँ, इसके साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ ये मसाला। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, नहीं तो ना क्या हो जाता है सब्जी डालने के बाद ही ऐसे चिपके आते हैं, तो वो इसके लिए नमक डाल दिया। और साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ पोटैटो। पोटैटो को थोड़ा फ्राई करना है, पोटैटो को फ्राई कर लीजिए। तो पोटैटो हमारा फ्राई हो गया, अभी मैं ऐड कर दूंगी पंपकिन, इसको भी फ्राई कर लेना है। थोड़ी ऐसे मिला दीजिए। थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, पंपकिन को भी फ्राई कर लेना है। पंपकिन भी हमारा फ्राई हो गया, अभी इस टाइम में मैं ऐड कर दूंगी मटर। और इसको भी थोड़ा सा मिला लीजिए फ्राई करने के लिए। मटर हमारा हो गया, अभी मैं ऐड कर दूंगी किशमिश रेजिन्स को, ऐसे इसको भी मिला दीजिए और ये रेजिन्स को भी फ्राई कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ये जलने जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ काजू कैशू नट्स, और इसको भी भून लीजिए। कैशू नट्स भुना हुआ कैशू नट्स खाने में और भी टेस्टी होता है। तो ये हमारा सब्जी फ्राई हो गया, अभी मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर लास्ट में ऐड कर रही हूँ, नहीं तो फास्ट में भी ऐड करने से ना क्या हो जाता है सब्जी फ्राई होने में बहुत देर लग जाता है, तो इसलिए मैं टमाटर को लास्ट में ऐड कर रही हूँ। और अभी टमाटर को भी थोड़ा सा मैशी होने दीजिए। अभी इस स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। और अभी सारे सब्जी को ये हल्दी के साथ एक साथ मिल ले दीजिए, पकने दीजिए। सब्जी को एक बार देख लेती हूँ कि कैसा हुआ है। टमाटर हमारा पक गया है और हल्दी के साथ साथ सारे सब्जी एकदम पक गया है। अभी इस वक्त में मैं ऐड कर दूंगी जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट, इसका मैं पेस्ट बना लिया है और इसको मैं डाल दूंगी। और इसको भी फ्राई होना दीजिए, जैसे कि जिंजर के वो रॉ जो स्मेल है वो चला जाए। तो इसको ऐसे मिला दीजिए और साथ ही साथ में ऐड कर दीजिए थोड़ा सा चीनी, ना सा। अभी सब्जी हमारा पूरा के पूरा तैयार है, देख लीजिए पूरा के पूरा तैयार है। अभी इस टाइम में मैं ऐड कर दूंगी
भुना हुआ मसाला, और ये मसाला के अंदर है एनी सीड्स, कुमिन सीड्स, रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। सारे को मैंने ऐसे कढ़ाई में एक बार भून लिया था और उसके बाद बना लिया पाउडर। तो ये ऐड कर देने से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है, और खिचड़ी में एनी सीड्स का स्मेल तो बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि मोरी। तो इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा हो गया, गैस अभी बंद कर दीजिए। मैं खिचड़ी कुकर में बनाऊंगी, तो ये मैंने वो फ्राई किए है मूंग दाल और राइस को ऐसे धोकर तैयार कर लिया, अभी इसको मैं कुकर के अंदर डाल देती हूँ। टाइम कम है तो कुकर में बनाऊँ, क्योंकि कुकर में जल्दी जल्दी में बन जाते हैं, नहीं तो हंडी में भी पका सकते हो, लेकिन हंडी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और संडे का दिन क्या है ना, वो उतना ज़्यादा मन नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम खाना बनाने में दे दूँ, तो इसलिए मैंने कुकर में बना रही हूँ। और कुकर में भी उतना ही अच्छा टेस्टी और उतना ही अच्छा स्वादिष्ट बनते हैं, ऐसा नहीं कि कुकर में बनाने से टेस्ट कम हो जाता है। तो इसके अंदर मैं अभी ऐड कर दूँगी सब्ज़ी, तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी। सारे के सारे सब्जी को ऐड कर देना है, सब्जी मेरा ऐड हो गया। अभी मैं इसी पैन में थोड़ा सा पानी गरम कर लूँगी, वो पानी ये खिचड़ी के अंदर जाएगी, क्योंकि खिचड़ी के अंदर गरम पानी देने से वो अच्छा बनता है, वो ठंडा पानी उतना अच्छा नहीं है। तो चलो पानी गरम कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया, क्योंकि ना ये तो ये सारे मसाला वो जो ऑयल है तो इसके अंदर आ जाएगा टेस्ट, तो ये मसाले ये सब्ज़ी ये सारे के अंदर ही है ना, तो इसलिए कढ़ाई को धोकर नहीं उसी कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। और राइस जितना दिया पानी उतना ही दिया, एकदम सेम टू सेम। मेरा इस गबले का ऐसा तक राइस था, तो राइस और दाल मिलकर और इतना तक ही मैंने पानी यूज़ किया है। तो पानी हमारा गर्म हो गया, ऐसे गर्म पानी ऐसे बॉयल पानी वो कुकर के अंदर मैं डाल दूंगी। तो अभी ये पानी को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और पानी डालने के बाद ऐसे मिला दीजिए सारे के सारे को, पूरा का पूरा मिला दीजिए। अभी मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया और ऐसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में मत दीजिए, लो फ्लेम में दीजिए। लो फ्लेम में देकर दो सीटी लगाइए। मेरा सीटी अभी आने वाला है। मेरा खिचड़ी अभी रेडी है, अभी मैं सर्व कर दूंगी। देखिए मेरा खिचड़ी पूरा के पूरा रेडी होकर तैयार है सर्व होने के लिए, अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। और एक बात देखिए, ऐसे पटेटो पम्पकिन सारे के सारे ऐसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। बंगाली लोगों को खिचड़ी के साथ साथ एक पापड़ तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने एक पापड़ भी दे दिया। और उसके साथ साथ और एक चीज़ चाहिए, वो है थोड़ा सा अचार। तो रेडी है मेरा बंगाली स्टाइल खिचड़ी। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल बटन को भी दबा देना इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।